सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने वैकेंसी निकाली है इसके बर्नपुर प्लांट में ऑपरेटर के लिए और साथ ही अटेंडेंट के लिए। तो आज हम इन वैकेंसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है ये आई है इसको स्टील प्लांट में, जो कि बर्नपुर में स्थित है वेस्ट बंगाल में, और इसमें भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो पहली वैकेंसी आई है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की S3 लेवल में, और वैकेंसी है टोटल 126 वैकेंसी में से 64 हैं सामान्य की, SC की 28, 7 ST की और 27 OBC की हैं। साथ ही इनमें PH की रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी हैं 9 ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ट की और 14 हैं हियरिंग हैंडीकैप्ट की, और एक्सेसमेंट की हैं 18। इन 126 वैकेंसी को अगर हम स्ट्रीम वाइज डिवाइड करें तो मैकेनिकल की 36 आई हैं, मेटलर्जी की 35 हैं, इलेक्ट्रिकल की 25 हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की 10 हैं, केमिकल की 5 हैं, सिविल की 10 हैं और सेरेमिक्स की हैं 5 वैकेंसी। मैं बात करें हम अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की, तो इसकी वैकेंसी आई है 30। इन 30 वैकेंसी में से 17 है सामान्य की, 6 SC की, 1 ST की और 6 OBC की, साथ ही 3 OH की और 13 HH की वैकेंसी इसमें ओरिजिनली रिजर्व हैं। इसमें अगर ट्रेड वाइज वैकेंसी की बात करें तो फिटर की 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 10 है, 5 है टर्नर की, 3 है वेल्डर की और 2 है मशीनिस्ट CNC की। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए आपने 10th के बाद 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, मेटलर्जी में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, केमिकल में, सिविल में या फिर सिरेमिक्स में कम से कम 50% मार्क्स साथ। जो SST PH है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट उनके लिए 40%। वही अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए आपने 10th प्लस IT कर रखी हो फुल टाइम फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, टर्नर में, वेल्डर में या फिर मशीनिस्ट CNC में किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और ये जो क्वालिफिकेशन है ये आपके पास 14/12/2018 तक होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपर एज लिमिट की। तो कम से कम आपकी 18 साल की उम्र पूरी हुई होनी चाहिए और अपर एज लिमिट आपकी 14/12/2018 को 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोनों पोस्ट के लिए, यानी मैक्सिमम एज लिमिट है 28 साल जो कि 14/12/2018 को काउंट होगी। अपर एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो SST को 5 साल की, 3 साल की OBC को और PH कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो पे स्केल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए S3 ग्रेड में है, यानी 16,800 से 24,110 वाले ग्रेड में। वहीं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए यानी ITI वालों के लिए S1 ग्रेड में है, यानी 15,830 से 22,150 वाले ग्रेड में। लेकिन ये सैलरी आपको तभी मिलेगी जब आप 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको फिक्स पे मिलेगी, और जो पे आपको मिलेगी 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान वो मिलेगी डिप्लोमा वालों को पहले साल 10,700 रुपये महीने, दूसरे साल 12,200 रुपये महीने, वहीं ITI वालों को 8,600 रुपये पर मंथ पहले साल और 10,000 रुपये महीने दूसरी साल। जब आपकी 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कंपनी द्वारा पूर्ण वेतन और सभी सुविधाएं दी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन जो होगा वो दोनों पोस्ट के लिए एक रिटर्न एग्जाम होगा पहले, जो आपने अपना सब्जेक्ट भरा है उसी के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपको 1:3 के रेशियो में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट जो होगा ट्रेड टेस्ट, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फाइनल मेरिट रिटर्न के बेस पर ही बनेगी और प्रत्येक डिसिप्लिन के लिए अलग अलग बनेगी, और साथ ही इस वैकेंसी के प्रत्येक चरण में आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाएगी। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेल के लिए हाइट होनी चाहिए कम से कम 155 सेंटीमीटर, वजन 45 kg, वहीं फीमेल के लिए कम से कम हाइट 143 सेंटीमीटर, वजन 35 kg, ये आपका कम से कम होना चाहिए। अब ट्रेनिंग और प्रोबेशन के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी दे देते हैं कि जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे 2 साल की, तब डिप्लोमा वालों को S3 में और ITI वालों को S1 ग्रेड में शामिल किया जाएगा और 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो फीस है 250 रुपये जनरल OBC के लिए, डिप्लोमा वाले जो भरना चाहते हैं उनके लिए, ITI वालों के लिए है 150 रुपये जनरल OBC के लिए। वही बात करें हम आवेदन करने की, तो आप www.sale.co.in पे जाके, वहाँ लिंक दिया हुआ है IISCO स्टील प्लांट कैरियर सेक्शन में, वहाँ जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ही फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे देते हैं। पहले आप सेल की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ आप जो विज्ञापन दिया हुआ है उसको केयरफुली पढ़ेंगे, उसके बाद आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सारी डिटेल भरेंगे और अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर आपको फीस का पेमेंट करना है, यानी अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट्स हैं, तो आप जाएंगे ऑनलाइन SBI.com पे और वहाँ स्टेट बैंक कलेक्ट पे क्लिक करेंगे, या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं स्टेट बैंक कलेक्ट। आप वहाँ डिस्क्लेमर क्लॉज पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे, वहाँ आपके सामने ऑप्शन आएंगे, तो वहाँ आएगा आपका स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ वेस्ट बंगाल आप स्टेट चुनेंगे और टाइप ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन में आप इंडस्ट्री चुनेंगे, उसके बाद आप गो करेंगे। इंडस्ट्री नेम में
आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आ जाएगी, आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आप सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी चुनेंगे और सेल आईएसपी रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपनी सारी डिटेल भरने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। जब आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपकी स्क्रीन पे जानकारी आ जाएगी और आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लें, साथ ही उसको नोट कर लें डायरी में। फीस का पेमेंट होने के बाद प्रिंट आउट निकलने के बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना और अपनी डिटेल भरेंगे, उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप निकलवा लें और उसको अपने पास सुरक्षित रख लें। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 15 नवंबर 2018, लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2018 और फॉर्म एडिटिंग के संबंधित जो जानकारी है वो बाद में डिक्लेयर की जाएगी, यानी अगर आप फॉर्म अपना एडिट करना चाहते हैं फीस के रिगार्डिंग तो वो आपको बाद में सूचना दे दी जाएगी, उसके लिए डेट बाद में आएंगी और रिटर्न एग्जाम की डेट भी बाद में आएगी। तो 15/11/2018 से लेकर 14/12/2018 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, फीस का पेमेंट कर सकते हैं और अपना प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैकेंसी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।